व्यापारी हरीश पहावा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले उसी के रिश्तेदार प्रमोद सेठी को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद सेठी सीहोर के एक रिसोर्ट में फरारी के दौरान अय्याशी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि प्रमोद सीहोर रोड के एक रिसोर्ट में छुपा है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर प्रमोद को हिरासत में लिया। दरअसल मामला मई का है। मई में हरीश पहावा ने सुसाइड कर लिया था। पहावा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि प्रमोद सेठी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण वो सुसाइड कर रहा है। प्रमोद सेठी और पहावा के बीच रुपयों का लेन देन था। सेठी रुपए नहीं लौटा रहा था। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। इस बीच प्रमोद सेठी ने हरीश पहावा को अपने घर बुलाया और दो पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे धमकाया। इस घटना से आहत होकर हरीश पहावा ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रमोद सेठी को बताया। तभी से पुलिस प्रमोद सेठी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। हाँ, 27 मई को हरीश पहावा नामक कपड़ा व्यापारी द्वारा आत्महत्या अपने घर पर कर ली गई थी। उसके पास एक सुसाइड नोट मिला था और जो अन्य कथन लिए गए थे उसके आधार पर ये पाया गया था कि आरोपी प्रमोद सेठी जो यहाँ बिल्डर है उसको उसने 23 लाख रुपये उधार दिए थे। वो वापस को वापस नहीं कर रहा था। फ़ोन लगाने पर फ़ोन नहीं उठाता था। उसके घर गया था लेने, तो जहाँ पर उसको उसने विवाद किया था। विवाद के बाद में उसको अपमानित किया था, परिजनों को अपशब्द बोले थे। इसके कारण दुखी होकर उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। इसके आधार पर हमने प्रकरण 306 का प्रमोद सेठी के विरुद्ध दर्ज किया था। इसकी तलाश की जा रही थी। कल रात में इसको भोपाल और सीहोर की बॉर्डर पे जो एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। अब प्रमोद सेठी विजयनगर की हवालात में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे।